थाना मझोला के लाइन पर हनुमान नगर का रहने वाला एक युवक निजी अस्पताल में वार्ड बॉय का काम करता था, जिसकी शादी लाइन पार के सूर्यनगर इलाके की युवती से हुई थी। युवक का पिता सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। आरोप है कि 25 नवंबर को ससुर ने बहू के साथ गलत काम किया था। उस समय सास कहीं बाहर गई थी और देवर बारात में गया था। जब परिवार के लोग वापस आए तो पीड़िता ने अपने पति और सास को आपबीती सुनाई। इसके बाद बेटे ने पिता के कृत्य का विरोध किया और इसको लेकर परिवार में कलह शुरू हो गया। छोटा बेटा पिता का साथ दे रहा था। विवाद बढ़ा तो शुक्रवार को बड़ा बेटा पिता से अलग मकान की पहली मंजिल पर रहने लगा। शनिवार दोपहर करीब 12 बजे जब वह नीचे उतरा तो उसके पिता से कहा सुनी हो गई। केस में आकर पिता ने लाइसेंसी बंदूक से बेटे के ऊपर 2 गोलियां दाग दी। एक गोली बेटे के पेट में लगते हुए पार हो गई। बेटा लहूलुहान होकर गिर पड़ा। आरोपी पिता और उसका छोटा बेटा मौके से भाग निकले। पत्नी, माँ और दूसरे नंबर के भाई ने युवक को दिल्ली रोड स्थित एक अस्पताल पहुँचाया, जहाँ थोड़ी देर बाद ही युवक ने दम तोड़ दिया। मामले में युवक की पत्नी की तहरीर पर पिता और देवर के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। मझौला थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर जो यहाँ हॉस्पिटल में लाके परिवारजन द्वारा उसे एडमिट कराया गया और यहाँ इलाज के दौरान व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इसमें जो अभी पूछताछ की गई है अभी पुलिस के द्वारा, यहाँ पे वाइफ ने बताया कि पिता और बेटे के बीच में किसी बात को लेकर विवाद था और आज इनके पिता ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से इन्हें गोली मारी, जिसके बाद यहाँ पर हॉस्पिटल में लाया गया। इसमें पुलिस अभी तहकीकात कर रही है, जो तहरी प्राप्त होगी, साथ ही यहाँ पे अन्य जो लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ करके जो भी सत्य सामने आएंगे उसके अनुसार अभी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इनकी मृत्यु। सर, जो इनके भाई कहते लगते कि वो आरोप लगाने की ससुर मेरे साथ बदतमीजी करते, क्या ऐसा भी कोई बात है? हाँ, इनसे जो पूछताछ की गई इनकी वाइफ ने बताया इसके बारे में, साथ ही अन्य जो साक्ष्य जो प्राप्त होंगे उसके अनुसार विधि कार्य। सर, कोई गिरफ्तारी नहीं? अभी यहाँ पे मौके पे जो लोग मौजूद थे वहाँ पर पुलिस टीम रवाना कर दी गई है। इनके ऊपर आरोप लगाए हैं, जल्दी इसमें जो इन्वॉल्व थे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।